हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये CFNL लेवल पर अगर हम बात करें तो कंपनी लॉ के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे दूसरे भी यहाँ पर चैप्टर्स दिए गए हैं एक्सेप्ट डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर्स को अगर हम साइड में रखें तो आपके पास में जैसे ये इंस्पेक्शन वाला एक चैप्टर है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला एक चैप्टर है, इस तरीके से वाइंडिंग अप आपके पास में एक चैप्टर है, प्रोड्यूसर कंपनी था अब वो हटा दिया गया है, तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उसी में इंस्पेक्शन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो के अंदर हमने नॉर्मल बात करी इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के बारे में, दूसरे वीडियो में हमने बात करी इन्वेस्टिगेशन के बारे में और SFIO के बारे में, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जब क्रिएट होता है। आज इस थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पेक्टर के बारे में। इंस्पेक्टर कौन है, ऑब्वियसली ये तो हम देख के आ चुके हैं, इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है ये भी हम देख चुके हैं, बट उस इंस्पेक्टर का क्या प्रोसीजर रहता है काम करने का और उसके पास में क्या पावर्स रहती है, ये सेक्शन 217 के थ्रू और 219 के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ में भी आगे बहुत सारे सेक्शन है जो पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स को बताते हैं, पहली बात। दूसरा, टाइटल में आपको दिख रहा होगा विथ मिसलेनियस प्रोविजंस, सो 217 से हम स्टार्ट करेंगे तो 229 तक हमको जाना है, ठीक है। इस तरीके से हमको कुछ 12-11 सेक्शंस यहाँ पर इस वीडियो में देखने हैं, तो वो मिसलेनियस प्रोविजंस को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के साथ में यहाँ पर क्या होगा, क्या पेनल्टी लगाई जाएगी, उन लोगों को कैसे कोऑपरेट करना होगा, इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बताया इस वीडियो के टाइटल के साथ में, यानी कि हम क्या क्या यहाँ पर समझने वाले हैं, मेनली इंस्पेक्टर के पावर्स और प्रोसीजर्स और कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस को समझेंगे 217 से लेकर 229 तक। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो अभी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ और आपको एक सेक्शंस का पूरा फ्लो समझाता हूँ। अभी जो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये और कुछ नहीं, हमने जो प्रीवियस वीडियोस में कुछ समरी बनाई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो हमारा वीडियो था दैट वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, जिसमें हम बात कर रहे थे इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के बारे में। सेक्शन 216 ने हमको बेसिक्स बताए इन दोनों के, सेक्शन 207 में देखा, 208 में देखा और 209 में हमने सर्च एंड सीजीओर के बारे में भी समझा है, जहाँ पर आपको यहाँ पर स्पेशल कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, ठीक है। ये हमने टोटल 4 सेक्शंस इस फर्स्ट ब्लॉक में पढ़े थे जो इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के बारे में बात कर रहा था, उसका जनरल सेक्शन था 206। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन की बात करी, तो इन्वेस्टिगेशन में जनरल सेक्शन बन गया 210, ठीक है। 210 में हमने बात करी कि CG और ट्रिब्यूनल यहाँ पर कैसे काम करते हैं, उनके पास में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के। आपके पास में यहाँ पर इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आई है 208 में, क्या बोला है मैंने, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंस्पेक्टर नहीं बोला है हमने, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट अगर आई है आपके पास में 208 वाली, तो आप यहाँ पर ट्रिब्यूनल CG ऐसा सोच सकता है कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी यहाँ पर करना चाहिए। कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मेंबर्स आ गए हैं कंपनी के खुद ही बोलने के लिए कि यार इन्वेस्टिगेशन करो हमारा, या पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा हो सकता है। 210 जनरल सेक्शन था जो हमने यहाँ पर देखा। 213 में अदर केसेस में किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करना हो आपको तो क्या आप कर सकते हैं। सर अदर केसेस मतलब कैसे, जैसे आपका बिजनेस गलत तरीके से चल रहा हो, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ यू नो पब्लिक एंड नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ योर शेयर होल्डर्स मेंबर्स, तो क्या बिजनेस गलत चल रहा है तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। यस। क्या यहाँ पर ऐसा कोई पर्सन है जो यहाँ पर फॉर्मेशन और मैनेजमेंट में काम कर रहा था और गलत तरीके से कर रहा था, क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो मेंबर्स को नहीं दी गई थी, इन केसेस में अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो वो 213 के अंदर किया जाएगा। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, एप्लीकेशन आप दे सकते हो, अगर आप शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो वहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट 100 या फिर 1/10 ऑफ योर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर आप शेयर कैपिटल वाले नहीं हो तो ऑब्वियसली 1/5 20% वाला जो रूल हम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से पढ़ते आ रहे हैं वही यहाँ पर चल रहा है क्राइटेरिया, ठीक है। 214 बोल रहा है कि कॉस्ट और एक्सपेंसेस के लिए आपको यहाँ पर एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े, 215 ने क्या बोला कि ये लोग हैं जो इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं 215 में, जैसे फॉर्म्स है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, ये नहीं बन सकते हैं, ठीक है। एंड 2016 नहीं, ऐसे मैंने याद करवाया था आपको, 216 जो नंबर का सेक्शन है वो थोड़ा सा अलग है, वो बात करता है ओनरशिप के बारे में और ट्रू पर्संस के बारे में कि इस कंपनी के पीछे असली में कौन लोग हैं, ट्रू पर्संस कौन है, ओनरशिप कौन है, ऐसे कौन लोग हैं जो कंपनी को यहाँ पर इम्पैक्ट रखते हो कंपनी के ऊपर। फिनेंशियल इम्पैक्ट अगर कंपनी के ऊपर आता है, कंपनी ऊपर नीचे होती तो उनके ऊपर भी आता है, तो इन्वेस्टर्स हो गए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो गए, इक्विटी फंड हो गया,
कौन है जो कंट्रोल करता है, पॉलिसी बनाता है, इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ पर बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखता है, वो लोग असली में कौन होते हैं, यहाँ पर ट्रू पर्सन्स होते हैं बिहाइंड द कंपनी। तो उनका यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 216 के अंदर होता है, यहाँ पर ट्रिब्यूनल करता है और सीजी उसके साथ में रहती है। तो ये हुआ इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर, ठीक है। अब बात कौन सी आनी है, इंस्पेक्टर की यहाँ पर आनी है। 216 से हम यहाँ पर प्रोसीजर और पावर्स को समझेंगे, जो यहाँ पर बात करेगा इंस्पेक्टर के बारे में, बराबर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद में 218, 219, 220, 221 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस आ रहे हैं, 229 तक हमारे पास में सेक्शंस आएंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। पहले 223 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बारे में बात करता है, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट नहीं है। इंस्पेक्शन की रिपोर्ट कहाँ थी, 208 में थी, जो हम ऑलरेडी देख कर आ चुके हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 223 में इंस्पेक्टर की रिपोर्ट, उसके बेसिस पर क्या एक्शंस लिए गए हैं, वो 224 के अंदर आएगा, ठीक है। और उससे पहले हम यहाँ पर इन कुछ सेक्शंस में हम पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर शुभारंभ करते हैं हम सेक्शन 217 का, जिसमें हम देखेंगे प्रोसीजर, पावर्स, यहाँ से देखिए एटसेट्रा लिखा हुआ है, ऑफ इंस्पेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, मतलब प्रोसीजर, पावर, इन दोनों चीज़ों को हमें समझना हो कि इंस्पेक्टर काम कैसे करता है और उसके पावर्स क्या है। तो यहाँ पर हम एज यूजुअल हमारी समरी बनाते जाएंगे, 217, ये बेसिक सेक्शन हमारा यहाँ पर तैयार हो रहा है, पीपी ऑफ आई, ठीक है। चलिए पीपी ऑफ आई हमने यहाँ पर बात कर ली है। नाउ देखिए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एंड एजेंट्स, इंक्लूडिंग फॉर्मर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एंड एजेंट्स ऑफ अ कंपनी विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 219। सर ये क्या हो गया, 219 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कौन सा हो रहा है, सर जरा देखिए ना, नीचे आइए, 217, 218 और 219। सर इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज, ओ माय गॉड, मतलब सर यहाँ पर अभी 219 आपने हमको पढ़ाया नहीं है, बट आप ये बताना चाह रहे हैं कि एक ये इंस्पेक्टर की पावर होती है कि वो रिलेटेड कंपनीज को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है क्या? यस, यहाँ पर रिलेटेड कंपनी में सब्सिडरी कंपनी आती है, एसोसिएट कंपनी आती है, होल्डिंग कंपनी आती है, होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी आती है, ये सब आता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक सेक्शन कोट कर दिया, तो उसको पढ़ना तो जरूरी हो गया ना दोस्तों। क्या हो गया, उन्होंने बोला कि ये हर एक ऑफिसर की, हर एक एम्प्लॉय की, हर एक एजेंट की, चाहे वो अभी हो नौकरी कर रहे हो या पहले करते थे, यानी कि फॉर्मर ऑफिसर, एम्प्लॉय या एजेंट हो, विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन अंडर 219। यानी कि सर जो मेन कंपनी है, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनके ऑफिसर्स, उनके एम्प्लॉय और उनके एजेंट्स, तो सर उनको तो कोऑपरेट या असिस्ट तो करना ही पड़ेगा, बट सर जो यहाँ पर सब्सिडरी है, होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी है, उनके एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पर कोऑपरेट करना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये असिस्ट करेंगे, बट इंस्पेक्टर इन लोगों से क्या सब चीज़ें मांग सकता है, तो यस, ये उसके पावर में है। टू प्रिजर्व एंड टू प्रोड्यूस टू एन इंस्पेक्टर ऑल बुक्स एंड पेपर्स, टू गिव द इंस्पेक्टर ऑल असिस्टेंस। उन्होंने पहले बोल दिया कि इन लोगों को सिर्फ जिस कंपनी का यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वही नहीं, उसकी अगर रिलेटेड कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उन लोगों को भी यहाँ पर असिस्ट करना पड़ेगा और सारे बुक्स एंड पेपर्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की बात नहीं है ना। अगर इंस्पेक्टर को ज़रूरत लगती है कि एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट, यानी कि जो कंपनी जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बट उसको इन्वेस्टिगेशन करते करते समझ में आता है कि यार किसी ये कंपनी है, इसके साथ में बहुत ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, लेट्स से एबीसी कंपनी का यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पर देखना चालू किया, उसमें दिखा कि यहाँ पर DEF के साथ में उन्होंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रखे हैं साल भर में, ठीक है। अगर यहाँ पर एकदम सॉलिड उसके पास में रीज़न टू बिलीव है कि यार ये कंपनी के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पर जो हमारा इंस्पेक्टर बाबू है वो ABC का इन्वेस्टिगेशन करते करते यहाँ पर DEF से भी यहाँ पर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी उसको लगते हैं वो फर्निश करने के लिए बोल सकता है। गजब पावर है यार, गजब, मतलब जहाँ हाथ मारे वहाँ से वो सब चीज़ें निकाल सकता है। सर वॉट अबाउट द फैक्ट कि डॉक्यूमेंट्स ले लिए, बुक्स एंड पेपर्स यहाँ पर उसने चेकिंग चालू कर दी, इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, क्या वो उनको अपने पास में रख सकता है? ऑलरेडी पढ़ के आए ऊपर यार, हमने क्या 209 में सर्च एंड सीजर नहीं पढ़ा है?
206 में इंस्पेक्शन इंक्वायरी के बारे में पढ़ा था, 207, 208, 209, 209 में SS पढ़ा था कि सर्च एंड सीज़र कर सकता है 180 डेज के लिए, बट स्पेशल कोर्ट की परमिशन चाहिए। तो 180 डेज मैक्स के लिए क्या वो रख सकता है? यस। क्या एक्सटेंशन मिल सकता है? यस। बट क्या ऑर्डर चाहिए रहेगा? यस। सर लिखा नहीं है किसका, बट हमको मालूम है कि स्पेशल कोर्ट का यहाँ पर ऑर्डर चाहिए रहेगा। ठीक है, ओके। सर आपने ये भी बोला था कि इंस्पेक्टर के पास में जो पावर्स होती है ना, एक सिविल कोर्ट जैसी होती है, यानी कि किसी को भी बुलाकर वो समन करवा सकता है, यानी कि वो किसी को भी समन कर सकता है, मीन्स बुला सकता है कि आइए यहाँ पर खड़े होइए, ओथ लीजिए और बताइए कि आप जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्या आपने अभी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है। ये सब चीज़ें क्या करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। इंस्पेक्टर एग्जामिन कर सकता है ओथ पर किसी भी पर्सन को जिन लोगों को ऊपर बोला है, यानी कि सब आ गए, किसी भी तरीके की कंपनी है उनके एम्प्लॉयज एजेंट्स और ऑफिसर्स आ गए, और प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी चाहिए रहता है। ठीक है, तो सीजी का अप्रूवल लो और इंस्पेक्ट कर लो और ओथ दिलवा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा सिविल प्रोसीजर में जितने भी पावर्स दिए गए हैं वो सब उसके पास में है, सिविल कोर्ट वाले। डिस्कवरी करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रोड्यूस करवाना, किसी को इन्फोर्स करना किसी की अटेंडेंस, कि उस बंदे को बोलिए यहाँ पर आइए, कल तक आपको मेरे पास ऑफिस में आना पड़ेगा, करवा सकता है। यस। इंस्पेक्शन कर सकता है किसी भी प्लेस पर जाकर, यस बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, नाउ पेनल्टी की बात करिए, पेनल्टी फॉर अ डायरेक्टर और एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सर इनके ऊपर पेनल्टी क्यों लगवा रहे हो? इनके ऊपर इसलिए लगवा रहे हैं कि अगर यहाँ पर इंस्पेक्टर ने बुलाया आप नहीं आए, इंस्पेक्टर ने बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो नहीं दिए, तो फिर क्या होगा? तो उस डायरेक्टर और उस ऑफिसर के ऊपर 1 साल की तो जेल हो सकती है और 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का यहाँ पर उनको फाइन भी लग सकता है। ध्यान रखिए पूरे चैप्टर में अधिकतर जगह यहाँ पर जब भी ऑफिसर्स के ऊपर फाइन की बात आएगी तो यही स्लैब रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 year 6 months ये चेंज होते रहता है, फाइन का स्लैब यही रहेगा, तो आप इसको रट सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यार ये तो हो गया नॉर्मल कि वो आए बुलाए पर वो आए नहीं। ठीक है, बट सर अगर उनसे हमने कोई भी चीज़ मांगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मांगा, कोई इन्फॉर्मेशन मांगी और तब उन्होंने नहीं दी, तो उन्होंने बोला इफ पर्सन एनी पर्सन फेल्स विदाउट रीजनेबल कॉज, उसके पास में सही रीजनिंग अगर नहीं है और वो फेल हो चुका है, क्या किस चीज़ के लिए? उसने बुक्स एंड पेपर्स नहीं दिए, कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करी, इंस्पेक्टर के सामने नहीं आया, एग्जामिनेशन यानी कि जब उसने एग्जामिन करे, क्या होता है इंस्पेक्टर यहाँ पर बुक्स अप और पेपर ले ली। ठीक है, लेट्स से उसने यहाँ पर एक लेजर की कॉपी ली, ठीक है, और लेजर की कॉपी के ऊपर उसने 2 circles करे ट्रांजेक्शन के ऊपर जो 25-25 lakh रुपए के ट्रांजेक्शन थे, क्या ऐसा यहाँ पर नोट्स बना सकता है इंस्पेक्टर? बिल्कुल बना सकता है, बट उस पर क्या साइन लेनी पड़ेगी? यस। किसकी? ऑफिसर की, एम्प्लॉय की, जो उस काम को संभालता है। अगर वो साइन नहीं करता है एग्जामिनेशन के लिए जो नोट्स तैयार किए गए थे उसके ऊपर, तो देखिए क्या वो लिखा है, फाइन तो सेम ही रहने वाला है बट जो यहाँ पर जेल है वो 6 months की हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये चेंज होते रहता है, फाइन सेम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए पेनल्टी के क्लॉज। ठीक है, आगे बढ़े, ऑफिसर्स ऑफ द सीजी एसजी पुलिस स्टेचुटरी अथॉरिटी, ये सब असिस्टेंस देंगे इंस्पेक्टर को, सब उसका साथ देंगे। सीजी मे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द फॉरेन स्टेट आल्सो फॉर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स टू असिस्ट इन एनी इंस्पेक्शन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने क्या बोला, इंक्वायरी को आई लीजिएगा यहाँ पर, उन्होंने क्या बोला है कि कभी कभी क्या होता है, कोई इंडियन कंपनी है जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बट उसके रूट्स है जो यहाँ पर फॉरेन में पड़े हुए हैं, यानी कि ऐसी कंपनी है अब्रॉड जिसके साथ में उसके ट्रांजैक्शन होते हैं, अब ये चाहते हैं कि इसकी भी हमको इन्वेस्टिगेशन करना है, तो यहाँ पर क्या ये इंस्पेक्टर यहाँ पर कोर्ट को जाकर और ट्रिब्यूनल के पास में एक एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए सो एंड सो कंपनी है यूके के अंदर, मुझे उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिट दीजिए? यस। तो परमिट करने के लिए वो एक एप्लीकेशन देगा, यहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट से बात करेगी और इस तरीके से उसको परमिशन मिल जाएगी। क्या उल्टा भी हो सकता है? उल्टा भी हो सकता है, बाहर वाली कंपनी अपने पास भी आ सकती है कि आपको हमारा इन्वेस्टिगेशन करना है क्या, तो एक इंडियन कंपनी को बोला जा सकता है कि हम आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो क्या पॉसिबल है? यस, वहां पर कोर्ट उसको उस बात से संभालता है। ठीक है, सो ये हुआ हमारा सेक्शन 217 जो प्रोसीजर बता रहा है। प्रोसीजर में मेनली क्या बताया, कौन कौन से एम्प्लॉयज रिलेटेड कंपनी के एम्प्लॉयज को भी असिस्ट करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देने पड़ेंगे, 180 दिन के लिए हम सीज कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर्स उनको यहाँ पर देती है, जो चीज़ यहाँ पर आपको बोला गया है वो आपने नहीं किया तो फाइन दे दिया, और बाहर फॉरेन स्टेट के साथ में भी वो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कर सकते हैं। प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर इज डन। चलिए अब इसके बाद में एक और सेक्शन आएगा छोटा सा, 217 तो हमने देख लिया, 217 का अगर हम यहाँ पर हमारा समरी बनाएंगे तो क्या आ जाएगा,
217 इज टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर। ओके, तो प्रोसीजर में हमने दो चार पॉइंट देखे, इंपॉर्टेंट वो हम लिख लेते हैं। क्या यहाँ पर मेन कंपनी के साथ में, क्या आप रिलेटेड कंपनी का, अगर आप यहाँ पर 219 में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो चाहे वहाँ का एम्प्लॉय हो, ऑफिसर हो, एजेंट हो, क्या सबको असिस्ट करना पड़ेगा? यस, सब लोग असिस्ट करेंगे इंस्पेक्टर को और प्रोड्यूस करेंगे जो भी बुक्स एंड पेपर्स वो मांगता है। उनको वो 180 दिन के लिए वो रख सकता है, एक्सटेंशन वो ले सकता है 180 डेज का, बट अप्रूवल यहाँ पर उसको चाहिए रहेगा। ठीक है, और मेन बात क्या है यहाँ पर, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला है यहाँ पर, किसी को भी ओथ दिलवा सकता है और सिविल कोर्ट वाली पावर्स है। तो वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सिविल कोर्ट की पावर्स है और किसी को भी ओथ वो दिलवा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर हमने कुछ पेनल्टी देखी है, ठीक है, और फॉरेन स्टेट के साथ में यहाँ पर वो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट कर सकता है, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, तो 217 यहाँ पर होता है। अब देखिए 218 जो है, 218 बड़ा लॉजिकल बात कर रहा है, इसका हेडिंग पढ़ी ज़रा, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन चलते हुए यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है? अरे यार, सिंपल सी बात है, ज़रा देखो आप, अगर किसी एम्प्लॉय ने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंस्पेक्टर को दे दी, ओहो हो, और कंपनी की यहाँ पर जान में जान अटक गई, तो कंपनी क्या बोलेगी, साले क्या किया ये, क्यों दे दी इतनी इन्फॉर्मेशन, क्यों दे दी, देना ही नहीं था, यू आर फायर्ड। तो प्रोटेक्शन तो चाहिए ना बॉस। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल बोला, टेंशन नको करा, हम आपके यहाँ पर रक्षा करेंगे। अप्रूवल देता है ट्रिब्यूनल, उसके बाद ही इम्प्लॉयज़ के साथ में आप छेड़खानी कर सकते हो अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो वंस एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन स्टार्टेड, आपको ट्रिब्यूनल की यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं अगेंस्ट द इम्प्लॉय। व्हेन, तो उन्होंने बोला कब, कब हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा ट्रिब्यूनल का, दो सिचुएशन में, पहला जब आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग। सर यानी कि कोई प्रोसीडिंग्स चालू हुई थी, अभी वो पेंडेंसी उसकी है, यानी कि वो अभी पेंडिंग है, वो डन नहीं हुआ है, ऑर्डर नहीं आया है, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑल्सो एंड एज वेल एज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो आप यहाँ पर एम्प्लॉयज के साथ में छेड़खानी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल सही नहीं कर सकते हैं। टू डू वॉट, आपको अप्रूवल किसके लिए चाहिए, एम्प्लॉयज को अगर आप निकालना चाह रहे हैं, सस्पेंड करना चाह रहे हैं, पनिश करना चाह रहे हैं, डिसमिसल करके, रिमूव करके, उनका यहाँ पर रैंक में रिडक्शन करके, या फिर उनके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज कर रहे हैं विच इज़ डिसएडवांटेज, यानी कि जिसकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉय को डिसएडवांटेज हो जाएगा, ऐसा कुछ अगर टर्म्स एंड कंडीशन में आप चेंज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये सब काम आप नहीं कर सकते हैं। स्टार मार्क, अगर आप ट्रिब्यूनल का अप्रूवल यहाँ पर ले लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट आपको ये काम करने के लिए अप्रूवल तो लेना पड़ेगा। सर अगर अप्रूवल 30 दिन के अंदर अंदर नहीं दिया तो, वैसे तो 30 दिन में अप्रूवल आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो उसको डीम्ड अप्रूवल बोला जाएगा, आप एम्प्लॉय के अगेंस्ट में जो भी एक्शन लेना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल को अच्छा नहीं लगा, ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया कि नहीं 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 आप इस एमडी को चेंज नहीं कर सकते हैं, एमडी को अभी आप निकाल नहीं सकते हैं। तो क्या यहाँ पर ट्रिब्यूनल की बात मानना जरूरी है? उन्होंने कहा नहीं 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 अगर आपको ट्रिब्यूनल की बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप अपील कर सकते हैं। इफ़ यू आर डिससेटिस्फाइड विद द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द ट्रिब्यूनल इट मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द नोटिस ऑफ द ऑब्जेक्शन प्रिफर एन अपील टू द ट्रिब्यूनल। सो क्या बोल रहे हैं, इफ डिससेटिस्फाइड विद द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द ट्रिब्यूनल, आपको सही नहीं लगा जो ट्रिब्यूनल ने 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो आप अपील कर सकते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अब 80 ने, यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो बोल दिया, अब उस पर बहस मत करना, वो फाइनल ऑर्डर होगा, बाइंडिंग होगा सबके ऊपर, कंपनी के ऊपर, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर और पर्सन के ऊपर और ट्रिब्यूनल के ऊपर भी, ठीक है। तो इन सभी लोगों पर वो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो बाइंडिंग होगा, ठीक है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को आपको डिसमिस करना है, सस्पेंड करना है, निकालना है, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है, रिमूव करना है, सस्पेंड करना है फॉर अ टाइम बीइंग, या फिर उनका रैंक चेंज करनी है अगर वो भी करना है, तो आपको इन दोनों गतिविधियों के चलते हुए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा है, जब प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, तो आपको ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सेक्शन 218 यहाँ पर हमको बोल रहा है। तो 218 यहाँ पर बीच में आया। अब यहाँ पर हमारी जो सीरीज चलेगी किसकी, 219, 220, 221
एंड 222 222, ठीक है। ये जो चार सेक्शंस हैं, ये चार सेक्शन स्पेशली बात कर रहे हैं पावर्स के बारे में, यानी कि इंस्पेक्टर के क्या क्या पावर्स यहाँ पर होने वाले हैं। जरा हेडिंग पढ़ते हैं सिंपल से, ठीक है। पहले देखिए, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनी, यानी कि आप बोल रहे हो सर यहाँ पर इंस्पेक्टर को पावर है कि वो रिलेटेड कंपनी का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यस, 220 बोल रहा है सर, फिर से वही बात, डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकते हैं। तो सर एक बार पढ़ के आ तो गए 209 में, हाँ 209 जैसा ही सेक्शन है, थोड़ा सा मैं आपको एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बताऊंगा। यानी कि ये जो बंदा है यार, ये कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज कर सकता है, ठीक है। और क्या पावर है इसके पास में, ये असेट्स को भी फ्रीज कर सकता है। और क्या कर सकता है देखेंगे, तो यहाँ पर हम एक डाल देते हैं, सीज के साथ में फ्रीज करने का भी पावर भाई साहब के पास में है। और 222 यहाँ पर लास्ट पावर क्या दे रहा है उसको, इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन अपॉन सिक्योरिटीज़। ओके, तो सिक्योरिटीज़ के ऊपर भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन ये लगा सकता है, आपके शेयर्स के ऊपर, आपके यहाँ पर डिबेंचर्स के ऊपर, जो भी चीज़ें हैं किसी भी टाइप की सिक्योरिटी हो उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो चार स्पेशल पावर्स हैं जो यहाँ पर 219 to 222 में आपको दी गई है। अब ज़रा फ्लो देखिए, इससे ऊपर ज़रा बात करते हैं, इससे ऊपर क्या हुआ था, 218 एक जनरल पिद्दू सेक्शन था, ठीक है, जहाँ पर आप इम्प्लॉई को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और 217 यहाँ पर क्या बात कर रहा था, 217 बोल रहा था नॉर्मल सी बात, वो ये बोल रहा था प्रोसीजर और पावर ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है। बाकी स्पेशल पावर्स कहाँ पर दी गई है, यहाँ पर दी गई है। तो 222 तक यहाँ पर हम आ गए, आगे हमको जाना कहाँ जाके 229 तक हमको जाना है, ठीक है। तो वो आगे के सेक्शन हम देखेंगे, पहले देखो अब रिलेटेड कंपनीज को आपको इन्वेस्टिगेट करना है, ऐसा हो सकता है क्या, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया है किसके लिए, जरा सेक्शन नंबर देखिए क्या लिखे हुए यहाँ पर, 2110 के इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आपने इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया, यानी कि जनरल इन्वेस्टिगेशन के लिए, 212 सर SFIO है क्या, यस, सीरियस फ्रॉड के लिए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस अगर किसी भी कंपनी को इन्वेस्टिगेट करता है 212 में करता है। और SFIO बनता कब है, इस्टेब्लिश कैसे होता है, 211 के अंदर। सो 212 के अंदर वाला इन्वेस्टिगेशन, 210 वाला जनरल इन्वेस्टिगेशन, और 213 वाला यानी कि स्पेशल कंडीशंस अदर केसेस वाला, कुछ याद आया आपको, रिवाइज करवाया था स्टार्टिंग में मैंने, अदर केसेस मतलब कि कौन से, बिजनेस गलत चल रहा है, इन्फॉर्मेशन मेंबर से छुपाई है, फॉर्मेशन में मैनेजमेंट में पर्सन्स ने गड़बड़ी करी है, तो वो सब केसेस में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है क्या, यस। तो इन तीनों केसेस के लिए अगर किसी इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया था और उसको ये लगता है कि दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो वो क्या कर सकता है, वो किसी भी सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, इन सबको भी इन्वेस्टिगेट वो कर सकता है। वो कोई ऐसी दूसरी बॉडी कॉरपोरेट को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है जिसको मैनेज करने वाला पता है कौन है, इंसान MD है और मैनेजर है, जो इस कंपनी का भी मैनेजर है। एग्जाम्पल देते जाता हूँ मैं आपको, ABC हमारी मेन कंपनी है जिसका इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो रहा था, इनके जो MD है वो DEF के भी MD है, तो क्या यहाँ पर इंस्पेक्टर इनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, यस बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजेस नॉमिनीज ऑफ द कंपनी और इज अकस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। क्या बोल रहे हैं कि एक और कंपनी है सर XYZ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वहाँ पर नॉमिनी बना रखा है सर A को, ठीक है। और XYZ कोई भी काम करता है तो यहाँ पर जो ABC के डायरेक्टर्स बोलते हैं उसी के हिसाब से वो काम करता है, उसी के हिसाब से डिसीजन लेता है। यानी कि दिस कंपनी XYZ इज अकस्टम टू एक्ट जैसा ABC बोलता है वैसा, तो क्या इसको भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, ये वाला पॉइंट है। और एनी पर्सन हु इज़ और हैज़ बिन द कंपनीज MD और मैनेजर और एम्प्लॉय, उन लोगों को भी, यानी कि जो पास्ट में MD एम्प्लॉय या मैनेजर रह सकते हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो इन्होंने क्या बोल दिया, मेन कंपनी के साथ में रिलेटेड कंपनीज को भी आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर लो, ऐसी कंपनीज जहाँ पर जो इस कंपनी की सुनती हो उसको भी इन्वेस्टिगेट कर लो,
ऐसी कंपनी जिस कंपनी के अंदर जो एमडी है वो इसी कंपनी का एमडी मैनेजर या एम्प्लॉई है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। अरे कोई भी बंदा जो एमडी मैनेजर एम्प्लॉई रह चुका है आप उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। क्या ये सब काम जो है रिलेटेड कंपनीज को इन्वेस्टिगेट करने का, ये बस मुंह उठा के आएगा इंस्पेक्टर को कर सकता है क्या? नहीं, उसको अप्रूवल चाहिए रहेगा। किसका अप्रूवल चाहिए रहेगा? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए रहेगा। कहीं भी एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लिख के आ जाना सीजी का अप्रूवल चाहिए। सिंपल सी बात है, सीजी का अप्रूवल लिख के आ जाओगे, सही हुआ तो सही हुआ, गलत हुआ तो ठीक है, अब देखा जाएगा। वहाँ पर कम से कम कुछ गलत तो नहीं हुआ, जो मिसिंग है वो आप वहाँ पर ब्लैंक फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई सेक्शन 219 के अंदर रिलेटेड कंपनीज को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ये हमने देख लिया है। अच्छा, सीज कर सकता है डॉक्यूमेंट्स? यस, 209 के अंदर हम देख के आ चुके हैं सीज कर सकता है वो, ठीक है, अगर उसके ऊपर रीजनेबल ग्राउंड्स है उसके पास में। तो क्यों भैया आप सीज क्यों कर रहे हो? आप मुझसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास में मैंने अकाउंट्स छोड़े तो आप पता है क्या करोगे, आप या तो उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, म्यूटिलेट कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, फॉल्सिफाइड कर सकते हो, एंट्रीज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बुक्स को, पेपर्स को, वाउचर्स को, जो भी मुझे लगेगा, मैं उनको सीज करने की पावर रखता हूँ, ठीक है। और किसी भी प्लेस में जाकर वो घुस सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट जहाँ भी रखे हुए आपके, ठीक है। बुक्स और पेपर्स को सीज करने के बाद में वो यहाँ पर कंपनी को कॉपीज लेने के लिए अलाउ कर देगा। और टाइम पीरियड यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 209 के अंदर हमने 180 डेज प्लस 180 डेज यहाँ पर देखा था, बराबर है। बट ये जो सेक्शन है ये इंस्पेक्टर को क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आपको यहाँ पर सीज करना है तो आपके पास मैक्सिमम पीरियड पता है क्या है? मैक्सिमम पीरियड है टिल द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन तक आप रख सकते हैं, लेटर देन कंक्लूजन आप नहीं रख सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो 209 जैसा मैंने लिखा है उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टाइम पीरियड चेंज हो रहा है 209 में और यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 220 भी हो गया, 219 भी हो गया, दो सेक्शन हो गए हमारे यहाँ पर पावर्स में। अब फ्रीज, क्या असेट्स को फ्रीज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, असेट्स को फ्रीज करना सबके बस की बात नहीं है। असेट्स को फ्रीज कर दिया मतलब आपने ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें कंपनी के फंड्स हैं, असेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी के नाम पे किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, बट वो गलत है, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल उनको असेट्स को फ्रीज कर सकता है। क्या यहाँ पर ट्रिब्यूनल को सपना आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर ट्रिब्यूनल के पास में एक एप्लीकेशन आएगी या फिर ऑन अ रेफरेंस मेड टू इट बाय, ये लोग हैं जो यहाँ पर आकर ट्रिब्यूनल को बोलते हैं। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल यस सोच सकता है कि यहाँ पर इन असेट्स को हम फ्रीज करेंगे, ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाएंगे, बट मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए हम लगा सकते हैं? 3 ईयर्स के लिए हम यहाँ पर उस ट्रांसफर को रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। बट ये लोग कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ट्रिब्यूनल को बोले कि बॉस इस कंपनी के असेट्स को फ्रीज करो, ट्रिब्यूनल बिल्कुल उस चीज़ को कंसिडर करेगा। इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है? यस, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में अगर लगता है इंस्पेक्टर बोलता है तो ट्रिब्यूनल उसको फ्रीज करेगा। एनी कंप्लेंट मेड बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 244। सर ये कौन सा सेक्शन आ गया 244? हम तो 206 से 229 की बात कर रहे हैं और हमारा चैप्टर का नाम कौन सा है? हमारा चैप्टर का नाम इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है। सर 244 तो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के अंदर था। यस, वहां पर मेंबर्स की लिमिट अगर देखेंगे आपको याद आ जाएगी 1/10 या 100 या वैल्यू में 1/5। ओ हो सर, मतलब सर अगर यहाँ पर जो ऑपरेशन वाले मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी, मिनिमम आपको 10% मेंबर्स अगर आकर आपको बोलते हैं किसको, ट्रिब्यूनल को, कि यहाँ पर फ्रीज करो, तो ट्रिब्यूनल कंसीडर करेगी। सर अगर क्रेडिटर है तो, क्रेडिटर है तो, और उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो भी आकर यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकता है ट्रिब्यूनल को, या और कोई भी दूसरा रीजनेबल ग्राउंड्स है ये बिलीव करने के लिए। क्या भैया ट्रिब्यूनल को क्या बिलीव हो गया है? उसको बिलीव हो गया है द रिमूवल, ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ फंड्स, असेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी इज लाइकली टू टेक प्लेस इन द मैनर दैट इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो उसको रोक सकता है। जैसे कंपनी के पास में एक प्राइम लोकेशन पर गोवा के अंदर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर हम कंपनी के असेट्स देखें, 1,000 करोड़ रुपए के असेट्स हैं, उसमें 800 करोड़ का तो यही सिर्फ एक प्रॉपर्टी, और कंपनी इसको सेल ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेंबर्स आए यहाँ पर, कितने मेंबर्स आए यहाँ पर? लेट्स से कंपनी के अंदर 500 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 125 मेंबर्स आए। क्या 10% से ज़्यादा है? यार इन्होंने बोला यार कंपनी बेच रही है, असेट्स को ट्रांसफ़र कर रही है, सर
एसेट्स को फ्रीज कर दो प्लीज। क्या ट्रिब्यूनल यहाँ पर सोचेगा? बिल्कुल सोचेगा। क्यों? उसको लग रहा है कि यार ये पब्लिक के इंटरेस्ट में, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में, कंपनी के इंटरेस्ट में ये स्टेप नहीं है, तो उसको वो रोकेगा। बिल्कुल। कितने साल के लिए ट्रांसफर को रोक सकता है? 3 साल के लिए रोक सकता है। क्या कुछ कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा? ट्रिब्यूनल जैसे बोलेगा वैसे करना पड़ेगा। अगर कुछ गड़बड़ करी तो कंपनी के ऊपर यहाँ पर 1 लाख से 25 लाख रुपए का फाइन है। हर एक ऑफिसर के ऊपर 3 साल की जेल हो, 50,000 से 5 लाख रुपए तक का फाइन है। आपको फाइन पेनल्टीज याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आपको सेक्शंस की मेन हेडिंग याद रहनी चाहिए। तो फ्रीजिंग ऑफ असेट्स यस अलाउड है। मेंबर्स की कंप्लेंट, क्रेडिटर्स की कंप्लेंट, सीजी बोलेगा तो, रीजनेबल ग्राउंड्स है तो, और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में ऐसा लगा तो, ये 5 रीजंस की वजह से फ्रीजिंग ऑफ असेट्स यहाँ पर हो सकता है 221 के अंदर। ठीक है, अब 222 क्या बोल रहा है? ठीक है, यहाँ पर देखिए पेनल्टी तो वही चल रही है, पेनल्टी को अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि सिक्योरिटीज का कुछ ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है, उस सिक्योरिटी के ट्रांसफर को रोका जाएगा। किसी बंदे ने कंप्लेन करी और उसने एक गुड रीज़न दिया आउट ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट्स अबाउट एनी सिक्योरिटीज इशूड या फिर जो कंपनी इशू करने वाली है। लेट्स से कंपनी नया यहाँ पर इक्विटी शेयर्स इशू करने वाली है, उसकी वजह से जो यहाँ पर मेजॉरिटी लोग हैं वो यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं रहेंगे, माइनॉरिटी बन जाएंगे। उन लोगों ने आकर अगर कंप्लेन करी है कि बॉस जो भी सिक्योरिटीज़ कंपनी इशू करेगी उसमें हमारे हित में काम नहीं हो रहा है, तो क्या ट्रिब्यूनल यहाँ पर, अगर उसको ऐसा लगता है तो क्या वो यहाँ पर इस पूरे ट्रांजेक्शन को डायरेक्ट कर सकती है? यस। रेस्ट्रिक्ट कर सकती है? यस। अगेन कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, जैसा हम ऊपर देख के आए हैं। बट देखिए स्टार्टिंग में क्या बोला है, पहली लाइन पढ़िए जरा ध्यान से। व्हेन इट अपीयर्स टू द ट्रिब्यूनल इन कनेक्शन विद एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर 216, सर सेक्शन पे सेक्शन लिखते हैं याद नहीं रहता है, मैंने एग्जाम्पल आपको क्या दिया, मेजोरिटी माइनॉरिटी का, यानी कि सर जब भी ओनरशिप के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो ओनरशिप का जो इन्वेस्टिगेशन होता है 216 में होता है, जो जनरल होता है वो 210 में होता है, अदर केसेस में 213 में होता है। बच्चों इतने सेक्शन आपको याद रखने ही पड़ेंगे, मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, 216 के अंदर जो ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें समझ में आया कि बॉस गड़बड़ हो रहा है, किसी ने कंप्लेंट करी, गुड रीजन मिला, ट्रिब्यूनल का ओपिनियन बना, तो वो उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा 3 साल के लिए, नहीं किया तो ये आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, एज सिंपल एज दैट। तो ये 4 सेक्शंस जो बात कर रहे थे पावर्स के बाद में, 219, 220, 221 और 222, रिलेटेड कंपनी का यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है। सो ये 4 सेक्शंस पावर्स के, इंस्पेक्टर के क्या होते हैं, 219 से हमने स्टार्ट किया था। सो रिलेटेड कंपनी को क्या आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो? यस। क्या आप यहाँ पर बुक्स और अकाउंट्स को आप यहाँ पर सीज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। फ्रीज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। और सिक्योरिटीज़ को भी क्या आप यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ 4 पावर्स है जो हमने यहाँ पर देख ली है। उससे पहले एम्प्लॉय का प्रोटेक्शन हमने यहाँ पर देख लिया है 218 के अंदर, और उसके पहले हमने यहाँ पर जनरल बात कर ली है प्रोसीजर और पावर्स की, इंस्पेक्टर की क्या होती है, 217, 218, 219, 220, 221 और 222, ऐसे 6 सेक्शंस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब हमारी जो आगे की जर्नी है ज़रा वो आप देखिए। ठीक है, 222 के हम आगे बढ़ते हैं, 223 बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बारे में, और 224 उससे रिलेटेड है जो बात कर रहे हैं कि एक्शंस क्या लेना है अगर यहाँ पर आपने इंस्पेक्टर की रिपोर्ट को देखा है तो उसके बेसिस पर क्या एक्शन ली जा रही है। ठीक है, सो जरा आप हेडिंग देखेंगे तो 223 में यहाँ पर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बारे में बात करी है, और 224 टू 229 पूरा का पूरा यहाँ पर 6 सेक्शंस को साथ में लिया हुआ है। देखिए 224, एक्शंस टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ इंस्पेक्टर रिपोर्ट, 225 एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहा है, 226 वॉलंटरी वाइंडिंग अप के बारे में बात कर रहा है, 227 लीगल एडवाइजर्स और बैंकर्स के बारे में बात कर रहा है, 228 एक लाइन की बात कर रहा है, और 229 पेनल्टी के बारे में बात कर रहा है। सो बात के कुछ मिसलेनियस सेक्शंस जो बहुत छोटे छोटे हैं, हमको जो फोकस करना है वो इन 2 सेक्शंस पे करना है, 223 और 224 के ऊपर। अगर ये 2 सेक्शंस हमने समझ लिए तो हमारा यहाँ पर पूरा चैप्टर कंप्लीट है, क्योंकि मिसलेनियस प्रोविजंस तो बहुत ही चिंदी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 223 के साथ में कि इंस्पेक्टर रिपोर्ट कब देनी होती है, क्या इंटरिम दे सकता है, क्या फाइनल दे सकता है, ये सब बातें करते हैं।
देखिए इंस्पेक्टर क्या काम कर रहा है, इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने वाला कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, ट्रिब्यूनल इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। इंस्पेक्टर यहाँ पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, पूरा यहाँ पर प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, तब तो फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी, बट उससे पहले एक इंटरिम रिपोर्ट भी उसको तैयार करनी होगी और दोनों उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी। जो रिपोर्ट है वो राइटिंग में होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए। एनी पर्सन लाइक मेंबर क्रेडिटर जिसका इंटरेस्ट है लाइकली टू बी अफेक्टेड मे मेक एन एप्लीकेशन फॉर कॉपी ऑफ द अबव रिपोर्ट। तो इसकी क्या कॉपी यहाँ पर इन लोगों को दी जा सकती है? यस, मेंबर, क्रेडिटर, शेयर होल्डर, इन सब लोग कॉपी ले सकते हैं इस रिपोर्ट की, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट की, ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट सही है कि नहीं ये ऑथेंटिकेशन चाहिए रहेगा। सो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर रिपोर्ट का कौन करेगा? सो ऑथेंटिकेटेड बाय द सील ऑफ द कंपनी हुज अफेयर्स हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड। ये पूरी रिपोर्ट है भैया किस कंपनी की है? ABC कंपनी की रिपोर्ट है, तो ज़रा नीचे सील लगवाओ ना यार, सीधी सी बात है। तो यस, यहाँ पर सील लगेगी उस कंपनी की जिसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है, और या फिर बाय अ पब्लिक ऑफिसर। सो कोई भी पब्लिक ऑफिसर है तो वो एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि यस मेरे पास में रिपोर्ट रखी थी और मैं इसको सर्टिफाई करता हूँ, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट रहेगी दैट शुड बी एडमिसिबल एज एन एविडेंस इन केस ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन की बात, कब कब देनी है, किस किस को आप कॉपी दे सकते हो, कैसे देनी है, ये बात कर ली। बट उन्होंने लास्ट में यहाँ पर लिखा है दैट दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द रिपोर्ट रेफर्ड टू इन सेक्शन 211 and 212। बार बार मैं आपको बोलता हूँ ये है दोनों SFIO के बारे में। तो SFIO वाला जो इन्वेस्टिगेशन चलता है उसमें जो रिपोर्ट देना है उसके ऊपर ये सेक्शन, कौन सा, ये जो हमारा सेक्शन है इम्पॉर्टेंट 223 वाला, ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इंस्पेक्टर वहाँ पर अलग तरीके से काम करता है, अलग इंटरिम रिपोर्ट देता है, उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के बलबूते पर क्या एक्शंस ली जा सकती है? सो एक्शंस टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट If from an inspector's report made under 223, it appears to the central government कि किसी person ने यहाँ पर affairs of the company को यहाँ पर गलत तरीके से चलाया है and he is being guilty, offence भैया था, guilty हो चुका है, criminally वो बंदा liable हो चुका है, तो क्या central government उसको prosecute कर सकती है? Yes. It shall be duty of all the officers and employees to assist the CG. Yes. अगर कोई कंपनी है, कोई दूसरी बॉडी कॉरपोरेट है, वो वाउंड अप हो रही है अंडर अदर एक्ट या कोई भी एक्ट, IBC के अंदर, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर अगर वो वाइंडिंग अप में जा रही है, ठीक है, एंड इट अपीयर्स फ्रॉम एनी सच रिपोर्ट मेड अंडर 223 दैट इट इज एक्सपीडियंट सो टू डू द CG इन दिस बिहाफ। यानी कि यहाँ पर उस रिपोर्ट के बलबूते पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है, किसी कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए उसके लिए पेटिशन फाइल कर सकता है, क्या वो 241 के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है वाइंडिंग अप, यस वो भी एक डिसीजन यहाँ पर आ सकता है, या दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। सो यहाँ पर ट्रिब्यूनल ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट वो ये एक्शंस यहाँ पर ले सकता है, ठीक है। नाउ इसके बाद में क्या बोला है, फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस और एनी प्रॉपर्टी ऑफ सच कंपनी विच हैज़ बीन मिस अप्लाइड और रॉन्गफुली रिटेन्ड। अब बात क्या है कि जो फ्रॉड हुआ था, जैसे यहाँ पर MD ने फ्रॉड किया, गिल्टी हुआ, क्रिमिनली लाइबल हुआ, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर इन्वॉल्व थी जिसको मिस अप्लाई किया गया था, रॉन्गफुली रिटेन किया गया था, उसका क्या होगा? तो यहाँ पर अगर CG को लगता है इस रिपोर्ट के, जो यहाँ पर इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दी है उसके बाद में, कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रॉड मिसफीजेंस और अदर मिसकंडक्ट इन कनेक्शन विद द प्रमोशन और फॉर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फॉर सच अफेयर्स, तो वो ये सब चीज़ें यहाँ पर दे सकता है, ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। सो ये हम क्या देख रहे हैं, सेक्शन 223 में जो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर 224 में क्या क्या एक्शंस ली जा सकती है। सो यहाँ पर ट्रिब्यूनल बोल सकता है कि कोई भी पर्सन अगर गिल्टी है, क्रिमिनली अगर वो लायबल है, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर एक्शन ली जा सकती है और प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी कंपनी इस पोजीशन में है कि उसको वाउंड अप में जाना चाहिए, वाइंडिंग अप हो रहा है, तो उसका ऑर्डर भी वो दे सकता है। तीसरी बात, कोई भी डैमेजेस हुए हैं, कोई भी प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर गलत तरीके से मिस अप्लाई की गई थी, रॉन्गफुली रिटेन की गई थी, तो वो उसके अगेंस्ट भी इस रिपोर्ट के बेसिस पर एक्शन ले सकता है। कोई भी खर्चा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या यहाँ पर वो खर्चा लेगा? यस, वो उस कंपनी से वो बाद में रिकवर कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट यहाँ पर आई, उसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ,
उस फ्रॉड की वजह से किसी डायरेक्टर का, किसी केएमपी का और किसी ऑफिसर का यहाँ पर फ़ायदा हो गया, मतलब कि अनड्यू एडवांटेज लिया अगर उन लोगों ने, उनको बेनिफिट मिला वेदर इन फॉर्म ऑफ कैश या प्रॉपर्टी या फिर असेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या यहाँ पर एक एप्लीकेशन देगी ट्रिब्यूनल के पास में? यस, वो ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन देगी कि बॉस इन तीनों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत पैसा कमाया है बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉड, तो यहाँ पर इन असेट्स को हम यहाँ पर जब्त कर लेते हैं, सीज कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है। और जितने भी लोग हैं, डायरेक्टर है, केएमपी ऑफिसर है, ये पर्सनली लायबल होंगे इन दिस केस। ये सब केसेस कहाँ पर दिए जा रहे हैं? 224 के अंदर, ठीक है। सो 224 और 223 हमारा यहाँ पर होता है। 223 के अंदर हमने यहाँ पर रिपोर्ट दी इंस्पेक्टर ने, ठीक है, और उसके साथ में जो 224 में एक्शंस लिए गए वो यहाँ पर हमने देखे हैं, ठीक है। अब जो बचे हुए चिंदी छोटे छोटे क्वेश्चंस है, 225 है, 226 है, 227 है, 228 है एंड द लास्ट सेक्शन इज 229। ये हमको 5 सेक्शंस यहाँ पर देखने हैं, आइए फटाफट उनको हम कवर करते हैं। चलिए अब छोटे छोटे सेक्शन से 225 यहाँ पर हम बात करते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी यहाँ पर खर्चा लग रहा है ऑब्वियसली गवर्नमेंट का खर्चा लग रहा है। क्या गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी? नहीं, गवर्नमेंट वो पैसा अभी तो खुद वो डिफ्रे करेगी, बाद में वो रिकवर कर लेगी किससे? कंपनी के साथ में। बस छोटी सी बात उन्होंने बोली है, सीजी शैल बी डिफ्रेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस बाय द सीजी बट शैल बी रियम्बर्स्ड बाय द फॉलोइंग पर्संस। कौन देगा उसका पैसा? कोई भी पर्सन जो कन्विक्टेड है और जिसको ऑर्डर किया गया है 224 के अंदर ऊपर, जैसे कि कोई डायरेक्टर, कोई केएमपी या फिर कोई ऑफिसर जिसने फ्रॉड से पैसा कमाया है, 224 में ऑर्डर दिया गया कि आप पर्सनल लायबल हैं, तो ये पर्सनल लायबल थे 10 करोड़ रुपए के लिए, प्लस साथ में जो 1 लाख रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का पैसा लगा गया है वो भी इनको देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। या फिर एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन हुज नेम प्रोसीडिंग्स आर ब्रॉट, जिसके यहाँ पर नाम पे प्रोसीडिंग्स चल रही है वो भी यहाँ पर सारा पैसा देंगे, ठीक है। सो एक्सपेंसेस के लिए 225 था, सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं देगी। जो भी कॉन्विक्टेड है जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है वो पैसा यहाँ पर गवर्नमेंट को देगा। 226, अगर किसी कंपनी के खिलाफ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो अगर वाइंडिंग अप में चली जाती है, वाउंड अप हो ही जाती है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगा क्या? वो कहता है नहीं रुकेगा बॉस। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर रुक जाएगा, आपका यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। तो इन्होंने बोला, इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल नॉट बी स्टॉप्ड और सस्पेंडेड बाय रीजन ओनली ऑफ द फैक्ट दैट, कि 241 के अंदर यहाँ पर एप्लीकेशन आ गई है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप की, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकेंगे। आपके सभी मेंबर्स ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के लिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एनी अदर प्रोसीडिंग्स फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल, अगर और भी कोई दूसरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर नहीं रुकेगा, ठीक है। सो 226 बात कर रहा है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप से हमको फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। नाउ इंपॉर्टेंट सेक्शन 227 बात कर रहा है दो लोगों के बारे में, ठीक है, लीगल एडवाइजर्स के बारे में और बैंकर्स के बारे में। तो कंपनी के बैंकर्स होते हैं, कंपनी के लीगल एडवाइजर्स होते हैं, फॉर्म्स होती है, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी की होल्ड करते हैं। नाउ ये लोग नॉट टू डिस्क्लोज सर्टेन इन्फॉर्मेशन, इन लोगों को मना कर रखा है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। पहली बात की पहली बात कि किसको यहां पर डिस्क्लोज करने की बात चल रही है, सो टू हूम हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, तो ट्रिब्यूनल को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को या इंस्पेक्टर को, इन लोगों को आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है, ठीक है। किसको नहीं बतानी है? लीगल एडवाइजर को और बैंकर्स को। अब लीगल एडवाइजर यहां पर क्या इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा? तो उन्होंने कहा, एनी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मेड इट टू हिम एक्सेप्ट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द क्लाइंट, यानी कि अगर कोई इंस्पेक्टर यहाँ पर गया लीगल एडवाइजर के पास में, जैसे किसी कंपनी की फर्म थी ABC लीगल्स जो इनका पूरा लीगल का काम संभालता है, उससे पूछने का कि बताइए आपके डायरेक्टर ने आपको क्या बताया, उनकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज है, तो ये क्या बोलेगा? बॉस मैं नहीं बता सकता, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है हम दोनों के बीच में, मैं आपको सिर्फ नाम और एड्रेस बता सकता हूँ, दैट्स इट। अगर किसी बैंकर के पास में गए कोई इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए,
रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ एनी ऑफ देयर कस्टमर्स अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. यार अब SBI मेरा बैंकर है, सिर्फ मेरा थोड़ी ना होगा, बहुत लोगों का होगा, राइट? कोई इन्वेस्टर है वो, उसने सिर्फ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट थोड़ी ना किया है, बहुत लोगों की कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा. तो मेरी इन्फॉर्मेशन मांगोगे ये देगा, बट किसी दूसरे क्लाइंट की मांगोगे तो वो नहीं देगा. ठीक है, सो ये प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन लीगल एडवाइजर और बैंकर नहीं देंगे, ये बात का आपको ध्यान रखना होगा. ठीक है, 228 बोलता है फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्या? अलाउड है, हम देख के आ चुके हैं. और 229 लास्ट सेक्शन बचा है, आइए इसको देखते हैं. अब सेक्शन 229 है, लास्ट सेक्शन हमारा बचा है, वो बात कर रहा है पेनल्टी के बारे में. तो क्या पेनल्टी यहाँ पर होगी? तो पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स स्टेटमेंट, म्यूटिलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट. अगर कोई भी पर्सन गलत स्टेटमेंट देता है, एक्सप्लेनेशन गलत बताता है पूरी प्रोसेस के अंदर, यानी कि IIII, यानी कि इंस्पेक्शन चल रहा हो, इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें अगर आपने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, किसी ऑफिसर ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर पेनल्टी लगेगी. किसकी? सेक्शन 447 की, यानी कि आपको डायरेक्टली फ्रॉड के अंदर किया जाएगा. आपने कोई एक्सप्लेनेशन गलत दे दी जबकि आपको पता थी कि एक्सप्लेनेशन गलत है. आपने कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसमें फॉल्स एंट्री करी, गलत बात. आपने डिस्ट्रॉय किया, म्यूटिलेट किया, या फिर आपने कंसील या टेम्पर करने की कोशिश करी, अनऑथराइजेडली आपने किसी चीज़ को रिमूव कर दिया, कोई एंट्री आपने यहाँ पर रिमूव कर दी, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको डायरेक्टली सेक्शन 447 के लिए अंदर कर दिया जाएगा. ठीक है, सो ये हुआ सेक्शन 229. अब जरा हम देखते हैं कि कितने सेक्शंस के बारे में बात करी थी हमने. 224 के अंदर एक्शंस की बात हो गई थी, 225 के अंदर हमने बात करी थी एक्सपेंसेस के बारे में, राइट? तो क्या जो एक्सपेंसेस है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड करेगी? यस, स्टार्टिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, फिर बाद में वो उस पर्सन से या उस कंपनी से वो यहाँ पर रीएम्बर्स करवा लेगी जो यहाँ पर कॉन्विक्टेड है, जिसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. 226 बोल रहा था वॉलेंट्री वाइंडिंग अप की वजह से क्या इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, हमें डर नहीं लगता है. कोई प्रोसीडिंग्स अगर यहाँ पर पेंडिंग है तो क्या उसके वजह से ये इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा. ठीक है, देन 227 आया. 227 ने हमको क्या बोला कि लीगल एडवाइजर्स और बैंकर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रोकनी पड़ेगी. ठीक है, तो सही बात है, प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन अगर आपकी कोई है तो आप उसको रोक लो ना यार. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बैंकर और साथ में हम यहाँ पर लिख देते हैं लीगल एडवाइजर. ठीक है, लीगल एडवाइजर क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है? नाम और एड्रेस बता सकता है. बैंकर जिस क्लाइंट का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन तो देगा, उसके अलावा और किसी क्लाइंट की नहीं देगा. 228 क्या बोल रहा है? फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. और 229 बोलता है पेनल्टी तो ऑब्वियसली बॉस 447 में अंदर जाओगे. ठीक है, सो ये हुआ हमारा मिसलेनियस सेक्शंस. ठीक है, उससे पहले ये हुआ हमारा क्या 223, 224 इंस्पेक्टर की रिपोर्ट और उसके बेसिस पर एक्शंस की बात हो गई. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको भी यहाँ से उठाते हैं और हम ले चलते हैं हमारे समरी के पास में, जहाँ पर हमने सारे सेक्शंस को यहाँ पर नोट डाउन किया है. ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे सेक्शंस जो हमने इस पूरे वीडियो के अंदर देखे हैं. 217 में प्रोसीजर और पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर के बारे में बात किया हमने. 218 में एम्प्लॉई के प्रोटेक्शन के बारे में बात किया. फिर रियल पावर्स जो है वो 219 to 222 हमने यहाँ पर देखी है, जिसके अंदर क्या रिलेटेड कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? यस. क्या बुक्स ऑफ पेपर्स को सीज कर सकता है? यस. क्या असेट्स को फ्रीज कर सकता है? यस. एंड एट लास्ट क्या सिक्योरिटीज के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगवा सकता है? यस. तो ये 6 सेक्शन हो गए. उसके बाद में हमारा ये हुआ, इसको हम फेज वाइज यहाँ पर लिख देते हैं, आपको ईजी रहेगा याद करने में. सो दिस वॉज आर फेज नंबर 1, पावर वाला था फेज नंबर 2, ये था फेज नंबर 3 और मिसलेनियस था हमारा फेज नंबर 4. ऐसे 4 फेजेस के अंदर हमने यहाँ पर इस पूरे वीडियो को यहाँ पर कवर किया है. ये हमारा तीसरा वीडियो था जो बात कर रहा था इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बारे में. ये यहाँ पर ही एंड होता है. 3 वीडियोज हुए हैं. पहले वीडियो में हमने बात करी इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के बारे में, सेक्शन 206 209 हमने वहाँ पर बात करी है. फिर हमने बात करी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, 210 से हमने शुरुआत करी थी और 216 तक हमने वहाँ पर समझा है. और अभी थर्ड में हमने बात करी इंस्पेक्टर और मिसलेनियस सेक्शंस. सो 217 से लेकर हमने 229 तक ये सारी बातें यहाँ पर कर ली है. इसी के साथ में ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है. आई होप आपको तीनों वीडियोज पसंद आए होंगे, आपका रिविजन हुआ होगा, समरी नोट्स आपने बनाए होंगे. इसी तरीके से सारे चैप्टर्स हम एक एक करके आपके लिए ला रहे हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. थैंक यू.